कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ तो बहते रहना। मैं हवाओं की तरह हूँ बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ। ऐ प्यारी नदी, मुझे अपने आप में समा ले, मैं बस बहते रहना चाहती हूँ। आयशा, ये नाम शायद आपने अब तक सुन लिया होगा। अपने ससुराल वालों से परेशान एक 23 साल की सीधी सादी हंसमुख लड़की इतना मजबूर हो गई कि साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जान देने का अंदाज भी ऐसा कि वीडियो भी वायरल हुआ और समाज में एक नई अलख जगा गई। दहेज के लोभी ससुराल वालों ने आयशा को इस कदर परेशान किया कि अपनी परेशान भरी जिंदगी लोगों के सामने बयां कर साबरमती नदी में कूद गई। दहेज ने उसकी जिंदगी दोजख बना दी। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ। पति का सितम ऐसा कि जालौर की बहू आयशा ने पीहर अहमदाबाद के साबरमती नदी में कूद कर जान दे दी। अहमदाबाद में साबरमती नदी में कूद कर सुसाइड देने वाली 23 साल की आयशा बानो मकरानी के फरार पति को अब गुजरात पुलिस ने राजस्थान के पाली से अरेस्ट कर लिया है। आयशा ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। इसके अलावा आखिरी बार आयशा के माता पिता से बातचीत का ऑडियो भी सामने आया, जिसमें आयशा ने पति पर उसका शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया। शनिवार को आयशा का वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान के जालौर में रहने वाला उसका आरोपी पति घर से फरार हो गया। गुजरात की पुलिस टीम जालौर स्थित उसके घर पहुंची तो परिवार वालों ने बताया कि शादी में गया था और कहीं चला गया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी के सोमवार की रात पाली शहर से अरेस्ट कर लिया गया। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाल ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो ये ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफी है, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। आयशा की शादी आरिफ से 6 जुलाई 2018 को हुई। इसके बाद 10 मार्च 2020 से आयशा अपने मायके में रह रही थी। 27 फरवरी को सुसाइड से पहले आयशा ने 2 मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उसने अपने पिता लियाकत अली मकरानी से अपील की कि उसके पति आरिफ के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत वापस ले ले। आयशा के पिता लियाकत अली ने बताया कि मेरी बेटी आयशा हसमुख लड़की थी, लेकिन निकाह के बाद से ही दहेज को लेकर उसकी जिंदगी दोजख बना दी गई। एक बार तो ससुराल में उसे 3 दिनों तक खाना तक नहीं दिया गया। वो फोन कर अपनी परेशानी न बता दे इसके लिए उसके पति ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। लेकिन वे अपनी बेटी के हत्यारों को अब कभी माफ नहीं करेंगे। अहमदाबाद की आयशा ने सुसाइड करने से पहले एक इमोशनल वीडियो बनाया जिसमें वे परिवार को मैसेज दे रही हैं। आयशा ने सुसाइड करने से पहले अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और पेरेंट्स ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आयशा थक चुकी थी। उन्होंने कहा अब बहुत हो चुका, अब नहीं जीना, बच गई तो ले आना, मर गई तो मैयत में बुला लेना। आयशा ने अपने पेरेंट्स को बताया कि पति ने उसकी कोई परवाह नहीं की। उनका ये ऑडियो इतना दर्द भरा है कि सुनकर कोई भी रो दे। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा निकल जा। कहाँ पर है जी तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोंटू को भेजता हूँ। हेलो सोनो। हाँ मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा ऐसा काम मत करना, बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा ऐसा काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। बस हुआ, बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पाले में कूदना है। मैं नहीं थी ना मॉम। बहुत बार बाबा की कसम तक ऐसा काम मत कर कुछ भी। मेरे नहीं थी ना मॉम, मैं बस थक गई हूँ। हाँ तो थक, कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो
किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी दीजिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलता तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस ना लगे। ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं मरना चाहती हूँ। अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से टेढ़ हो गई हूँ मैं। कब तक ऐसे हुए? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाता पापा कल जालौर जाते। नहीं पापा, अब लेट हो गया। पापा लेट हो गया, लेट हो गया। पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको बेटा तू शांति रख। जी मामू, मैंने अब नहीं जीना। सोनो अब नहीं जीना बेटा। सोनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनेगी पहले। उसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे। मैं जा रहा हूँ कल जालो। मेरे को खाली मेरी मैया को बुलाना है। एक दिन ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा। डीपीके न्यूज के लिए जालौर से भरत पुरोहित की रिपोर्ट।